दोस्तों, ये जो ब्लूटूथ है कुछ 6 महीना पहले आ गया था मेरे पास। इसका अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया था मैं, सो आज इसे लगा मुझे कि आज इसका अनबॉक्सिंग कर लेना चाहिए। आज मैं करूंगा इसका अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए इवेंट आई की तरफ से आने वाली पिंक सीरीज ब्लूटूथ वायरलेस नेक बैंड। सो जैसा कि देख सकते हो आप, आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लें, ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इवेंट आई की ब्रांडिंग है, वॉर्न टू विन यहाँ पे मिल जाता है देखने को। यहाँ पे अगर बात कर लूँ बॉक्स मॉडल की, आप देख सकते हैं पिंक सीरीज है दोस्तों। बॉक्स पे देख सकते हो काफी बेस्ट लुक मिल जाता है यहाँ दोस्तों। अगर मैं बात कर लूँ इसके मॉडल की, तो यहाँ पे देखिए तो UINV5544 इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। वहीं पे आप अगर यहाँ पे कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पे मिल जाता है 25 Hz का बैटरी बैकअप देखने को दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे माइंड ब्लोइंग बेस मिल जाता है देखने को, एंड एट्रेक्टिव कलर्स मिल जाते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए मिल जाता है देखने को, इंडियन कंपनी है, काफी अच्छा है। सो दोस्तों चलिए पहले बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है देखने को। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक से कवर किया गया है, तो पहले प्लास्टिक को निकाल लूंगा, फिर उसके बाद बॉक्स को ओपन करूंगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैं प्लास्टिक निकाल लिया हूँ यहाँ से, और मैं आपको बता दूँ इसमें डबल पैकिंग मिल जाता है, काफ़ी बेस्ट पैकिंग मिल जाता है देखने को इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो। सो जो इसके अंदर पैकिंग था कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे काफ़ी बेस्ट लग रहा है नेक बैंड देखने को। यहाँ पे नीचे आपको मॉडल्स मिल जाते हैं देखने के लिए दोस्तों। उसी के साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसे सो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो दोस्तों। मैं बता दूँ आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए मैं नेक बैंड को निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। और यहाँ पे मिलता है एक A2 Type-C केबल मिल जाता है चार्जिंग के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी छोटा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है केबल इसका। और उसी के साथ दोस्तों मिलता है नेक बैंड देखने के लिए। चलिए नेक बैंड को निकाल लेता हूँ इसमें से। काफ़ी अट्रैक्टिव कलर मिल जाता है देखने को नेक बैंड का दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसके बेल्ट की, तो मैं आपको बता दूँ बेल्ट जो इसमें मिलता है पूरा रबड़ बेल्ट मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ बेल्ट है, और ये काफ़ी बेस्ट लग रहा है, कलर वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं बेल्ट का दोस्तों। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे इसके बॉडी की, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको पूरा प्लास्टिक बॉडी मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो इवेंट आई की ब्रांडिंग है, तो यहाँ पे आपको इवेंट आई मिल जाता है देखने को दोस्तों। यहाँ पे जो डिज़ाइन मिलता है काफ़ी शानदार लुक देता है इस नेक बैंड को, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बेस्ट लग रहा है ये दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे नेक बैंड का अनबॉक्सिंग किया हूँ, किसी का वायर यहाँ से निकला रहता है, किसी का वायर ऊपर से आता है, लेकिन इसमें जो नेक बैंड का वायर मिला है हमको देखने को, आप देख सकते हो ये साइड से मिल जाता है देखने के लिए। सो ये काफ़ी अलग मिल जाता है इसमें देखने को दोस्तों। उसी के साथ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे के साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ मॉडल्स वगैरह मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों। अगर वहीं पे मैं बात कर लूँ दूसरे वाले बॉडी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिल जाता है आपको देखने के लिए। सो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऊपर के साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, यहीं पे एक LED लाइट इंडिकेटर मिल जाता है देखने के लिए दोस्तों। यहाँ पे जो इसका लुक है काफ़ी शानदार मिल जाता है देखने को, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों। वहीं पे आप कंट्रोल पैनल के साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए दोस्तों। वहीं पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको मिलता है पावर बटन, माइनस, प्लस। सो ऊपर वाले बटन से क्या होता है आपका ब्लूटूथ ऑन ऑफ होता है। वहीं पे आपको नीचे जो बटन मिलता है यहाँ पे देख सकते हो माइनस प्लस मिल जाता है, इससे क्या होगा साउंड क्वालिटी कम ज़्यादा कर सकते हो आप, कॉल रिसीव कर सकते हो, कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से आपको अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, साउंड लो या ज़्यादा कर सकते हो। सो यहाँ पे ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं देखने को दोस्तों। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ इसके वायर क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको वायर काफ़ी स्मूथ मिल जाता है देखने को इसमें। सो उसी के साथ दोस्तों काफ़ी बेस्ट लग रहा है ये, वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल जाती है इसमें देखने के लिए। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको जो इसमें बड्स मिलते हैं काफ़ी, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बेस्ट लुक देता है इसका बड्स। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको जो बड्स का पीछे का एरिया है पूरा मेटल मिल जाता है देखने के लिए। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक मिल जाता है, सो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। सो आप इसको अगर आप हिला रहे हो ऐसा तो भी छोड़ेगा नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी बेस्ट मिल जाता है। और ये जो डिज़ाइन मिलता है काफ़ी काफ़ी शानदार डिज़ाइन मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे भी आपको मेटल मिल जाता है देखने को, और ये जो पूरा पीछे का एरिया है पूरा मेटल मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी शानदार लुक मिल जाता है देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो
दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट का सिंबल मिल जाता है। इससे क्या होता है, आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि कौन से पॉइंट को राइट में रखना है और कौन से पॉइंट को लेफ्ट में रखना है। सो ये चीज़ भी इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है देखने को। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो काफ़ी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, काफ़ी बेस्ट मिल जाता है साउंड क्वालिटी। बेस वगैरह जो मिलते हैं इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 10 मीटर का ट्रांसमीटर डिस्टेंस मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ इसके चार्जिंग टाइम की, तो मैं आपको बता दूँ 2 से 3 घंटे में कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाएगा ये। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 250 mAh की बैटरी के साथ आता है ये। दोस्तों इसमें 5.1 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है काफ़ी तेजी से फोन के साथ कनेक्ट होता है ये नेकबैंड। बहुत से नेकबैंड का अनबॉक्सिंग किया हूँ, तकरीबन सारे नेकबैंड में मुझे 5.0 का ही ब्लूटूथ सपोर्ट मिला है देखने को, बट ये वाले नेकबैंड में 5.1 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है काफी तेजी से फोन के साथ कनेक्ट होता है ये नेकबैंड। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको, कुछ 6 महीने की गारंटी में आता है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको रिप्लेस करके वापस नया मिल जाता है। ये फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, जिसे कहीं से टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों ये जो नेकबैंड है काफी हल्का है, और मैं बता दूं आपको जब इसे आप पहनते हो तो काफी अच्छे तरीके से गले में फिट बैठ जाता है, क्योंकि जो नेकबैंड का बेल्ट मिलता है काफी छोटा मिल जाता है, उसकी वजह से काफी अच्छे तरीके से गले में फिट बैठ जाता है ये। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके एयरबड्स की, तो ये जब आप इसे अपने कान में लगाओगे तो काफी अच्छे तरीके से एयरबड्स फिट बैठ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और पहनने में काफ़ी हल्का है, काफ़ी वेस्ट लगता है ये। वजन बहुत कम है इस नेकबैंड का, उसकी वजह से क्या होता है आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 1-2-4 दिन तो अजीब फील होगा, उसके बाद फिर कंफर्टेबल फिट होने लगेगा। सो काफ़ी बेस्ट है, क्वालिटी की काफ़ी अच्छा है इस नेकबैंड का। दोस्तों वहीं पर जब इसको अपने कान से आप निकाल के छोड़ दोगे, तो मैं बता दूँ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आके ऐसा चिपक जाता है। सो ये लॉकेट के जैसा दिखता है, काफ़ी बेस्ट लुक देता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बेस्ट लग रहा है ये। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।